श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल चाहे मेहर बाजंत्र। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा का प्रसंग चल रहा है। दुनिया में किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा, धन, दौलत कुछ भी प्राप्त होती है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा उसके अंदर होती है। कोई व्यक्ति ये कहें कि ये सारा हमारा तो पुरुषार्थ से है, ऐसा संभव नहीं है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, अनेक जन्मों के कर्म होते हैं तो उनके हिसाब से कुछ 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 वस्तुएं बढ़ती 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 पहुंचती है, वो खराबी भी हो या अच्छाई भी हो। तो दुनिया में भी जो भी अच्छाई है तो उसके लिए भी हमें यही समझना होता है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा है। बोली बुलावे मेहर की, कोई अच्छी बातें निकलती है तो उसमें भी कृपा तो होती ही है, वो कृपा के कारण ही है। और मेहर का चलन, तो यहाँ मेहर ही तो मेहर का वही है, तो वो बोलने के लिए मेहर ही ऐसा कह दिया। तो चलन है कि इसमें क्या है कि मन, वचन, कर्म, तो ये सब कृपा के अधीन है। तो करनी कृपा और अंकुर ऐसा कहते हैं ना, तो ये सब और एक दूसरे के साथ में मिले हुए ही होते हैं। तो अंकुर की भी बात होती है तो उसके अनुसार कृपा को ग्रहण कर सकते हैं, तो ऐसा है। तो ये सब चाल चलन अपना जो भी है, अपने क्रियाशीलता, इस सब में कृपा होती है। रात दिन दो मेहर में होए मेहरे मिलावा रूहन। रात दिन सब में जो भी अच्छे कार्य हैं वो सब कृपा के कारण हैं। होए मेहरे मिलावा रूहन। अब मेहरे कहने से मेहर से ब्रह्मात्माओं के साथ में मिलना, ब्रह्मात्माओं का मिलना, ब्रह्मात्माओं से संपर्क होना, वो भी कृपा से ही है। बाकी जो भी समझदार लोग होते हैं तो उनकी बात अलग होती है। वो आइंस्टाइन कह रहा था, मेरे ख्याल में आइंस्टाइन ही है, हाँ, वो कोई एक सज्जन मिले वर्षों के बाद में, तो कहने लगा कई सालों के बाद में आज एक मनुष्य मिला, तो शायद राम मनोहर लोहिया या कोई व्यक्ति मिले थे भारत के। तो ऐसा होता है, मनुष्य होने से मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, पशुता ज़्यादा होती है। जिसमें मानवता हो वो यथार्थ में मनुष्य होता है। तो ये और इसी प्रकार से जिनमें ब्रह्मात्माओं के लक्षण हैं, जिनमें मानवता से भी बढ़ करके, मानवता तो है ही तो उसके साथ साथ में परमात्मा का प्रेम भी हो तो वो ब्रह्मात्मा होती है। तो ऐसे ब्रह्मात्माओं का मिलन हुआ तो वो कृपा से है। बंदगी जी कर मेहर की, हम उपासना करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिक्र स्मरण करना, ये मेहर हक हुकुम, तो ये सब कृपा के कारण है। और कृपा से ही हुकुम का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। रूहें बैठी मेहर छाया मिने, तो ब्रह्मात्माएँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा की छाया में बैठी हैं। पिए मेहरें रस इश्क एलमा, इसलिए
पिए महरे रस इश्क इलम। तो कृपा से ही ज्ञान और प्रेम दोनों का रस का आस्वादन हो सकता है। तो दोनों, किसी को यदि ज्ञान प्राप्त है, किसी को यदि प्रेम प्राप्त है और सचमुच वो उसमें खुश है, उसको लेकर के वो आनंदित रहता है, तो वो भी कृपा है। तो ज्ञान प्राप्त करना, याद करना किसी वस्तु को, कुछ ग्रंथ को याद कर लिया और वो बता दिया, तो वो ज्ञान नहीं होता है। तो उसको समझ लिया तो वो उसमें वहाँ पर ज्ञान होता है, ज्ञान का अवतरण होता है। ग्रंथों से ज्ञान नहीं मिलेगा सीधा सीधा। तो ज्ञान परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कृपा पर निर्भर होती है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों का स्वाद भी कृपा से प्राप्त होता है। जित मेहर ते तब है, मेहर अबल लगा आखर, जहाँ कृपा है वहाँ सब कुछ है। इसलिए आरंभ से लेकर अंतिम पर्यंत, कहने का तात्पर्य सृष्टि के आरंभ से लेकर के जब प्रलय होगा तब तक सर्वत्र कृपा ही कृपा है। सोबत मेहर देव ही, किसी के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में संपर्क होता है तो वो भी कृपा के कारण होता है। कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। तो इसलिए ये कृपा की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। ए जो दरिया मेहर का बातुन जाहिर देखत। तो ये कृपा का सागर है, इसको आप गूढ़ रूप से समझ लो, अप्रकट रूप से या प्रकट रूप से समझ लो, बातिन और जाहिर दोनों में कृपा ही कृपा है। सब सुख देखत तहाँ जित मेहर जित वशत। जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है तो वहाँ सारे सुख अपने आप प्राप्त होते हैं। एक से एक जुलूस सात सब तीन के जो बता रहे थे वो भी ये बात उसी को ही पुष्ट कर रही है। बीच नाबूद दुनिया के, तो नाबूद दुनिया के बीच में आई मेहरें हक खेलवत। तो उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही तो परमधाम की ब्रह्मात्माएं, दिव्य परमधाम की, अखंड धाम की, वो दुनिया में आई है। तीन से सब कायम हुए, वो इसलिए आई है उनके माध्यम से पूरी दुनिया को अखंड करवाना है, तो उसके लिए वो आई है। मेहरई की बरकत, ये सारी शक्ति है वो कृपा की ही है। यहाँ मेहरई दिया तो उसका कारण ये है, वो कृपा की कृपा से ही। तो ये रई का कोई उसका कोई अर्थ ऐसा नहीं, मेहर उसके लिए बोली में इस प्रकार से बोल देते हैं। वर्णन करो क्यों मेहर की सिफत ना पहुँचा था। अब कृपा का वर्णन कहाँ तक करें, उसकी महिमा के लिए हम कुछ भी शब्द प्रयोग करें तो शब्द वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। ये मेहर हक की बात होनी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये कृपा है, ये आंतरिक कृपा है। नजर माए वशत, वो हमेशा उनके दृष्टि में ही रहती है, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ कृपा पहुँच जाती है। तो ये कृपा उनकी दृष्टि में भी होती है, उनके हृदय में भी होती है, सर्वत्र कृपा ही कृपा है। तो उनकी दृष्टि पड़ती है तो भी कृपा है, तो वो दिल में कुछ विचार करके ब्रह्मात्माओं के लिए कुछ करते हैं तो वो भी कृपा है। ए मेहर करत सब जाहिर सबका मता तौलत। कृपा से ही सब कुछ जाहिर होता है, तो जो कुछ भी समझ में प्राप्त होती है कृपा के कारण। और ये कृपा सबकी संपदा को तोलती है, तोलने की क्षमता है इसमें, किसका कितना मूल्य है, कौन किस प्रकार से, उन सब को समझने में कृपा के माध्यम से समझा जाता है, बाकी तो समझा नहीं जाता। इसलिए ब्रह्मात्माओं के लिए कहा तो वो धन धाम को तौलसी। तो ये ब्रह्मात्माएं हैं वो धन धाम को तौलसी, परमधाम के धाम के परमधाम के धन को वही समझेंगे। तो यहाँ तौलने का तात्पर्य ये है, तो सब सारे जिसके पास में जो सामर्थ्य है उसको कौन समझता है, तो कृपा के माध्यम से समझते हैं।
जो कि न कानों ना सुने सो मेहर मगज खोलता, जो कभी कानों से सुना भी ना हो तो वो भी अक्षराति धनी की कृपा होती है, तो सुनाई भी देगा और स्पष्ट भी हो जाएगा। तो ऐसा वर्णन करो क्यों मेहर की जो वशत हक के दिल, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा का क्या वर्णन करें, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में रहती है, उसका स्थान तो हृदय है, बाकी बाहर सबके ऊपर कृपा होने के स्थान अलग अलग हैं। दृष्टि से भी कृपा होगी, संकेत से भी कृपा होगी, वाणी से भी कृपा होगी, सब सर्वत्र कृपा ही कृपा है, किंतु कृपा का मूल स्थान है उनका हृदय है। जाको दिल में लेते हैं तहाँ आवत न्यामत सब मिल, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको अपने दिल में लेते हैं तो जिसको वो दिल में स्थान देते हैं तो उसको सब वस्तु में प्राप्त हो जाती है, पूरी दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। वर्णन करो क्यों मेहर की जो वशत है माहे हक, अब कृपा का क्या वर्णन करें कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर ही रहती है और उनसे वो जहाँ जहाँ भी कृपा करते हैं भेजते हैं जिन जिनको प्रदान करते हैं तो उनसे ही प्राप्त होती है। जाको निवाजे मेहर में ताए देत आप माफक, जिसको वो कृपा से निवाजना बोलते हैं सम्मानित करना विभूषित करना, जिसको कृपा से अभिभूत कर देते हैं उसको, अब किसी भी शब्द का प्रयोग करें जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं तो उसमें उसका क्या होता है, ताए देत आप माफक, तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार तो उसको जो कुछ भी देना है प्रदान करना है कर देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आप माफक का वो अपने अनुरूप कर देते हैं, अपने अनुरूप का तात्पर्य वो जैसे महान हैं जिनको वो दिल में लेते हैं उसको भी वो महान बनाते हैं इस हिसाब से, तो वो कोई भी उसमें बड़े व्यक्ति होंगे तो उसी हिसाब से करेंगे ना, कुछ भी कार्य करेंगे तो ऐसा, तो वो विशेषता वो अपने आप ही उनके कार्यों में झलकती है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महान है, ये उनकी कृपा से ही पता चलता है। बात बड़ी है मेहर की जित मेहर तिथ सब, तो ये बात कृपा की बात बहुत बड़ी है, जहाँ कृपा होती वहाँ सब कुछ है। निमख ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ, अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक क्षण के लिए भी अपने कृपा दृष्टि उस पर से हटाते नहीं है, तो इससे और क्या बताए, तो जिस पर कृपा होती है तो उससे कृपा दृष्टि एक क्षण के लिए भी हटाते नहीं है, तो अब इससे और तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए कह रहे इन ऊपर कहा कहूँ अब, इससे और आगे की बात क्या करूँ, सब कुछ यहीं आ गया, जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ वो स्वयं होते हैं वहाँ उनकी दृष्टि तो होगी, ब्रह्मात्माओं के तो हृदय में बैठते हैं तो ब्रह्मात्माओं पर दृष्टि होती ही है, ये कहने का तात्पर्य, जहाँ नजर तहाँ मेरा, जहाँ उनकी दृष्टि होगी वहाँ उनकी कृपा होगी, उनकी दृष्टि ही कृपामयी होती है। मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर, कृपा के अतिरिक्त जो भी है तो सर सब तो विषतुल्य है, जहर की भांति है, तो कृपा से आनंद का अनुभव होता है। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर, कृपा की बात बहुत बड़ी है किंतु कृपा का अनुभव अंकुर के बिना नहीं होता है, तो ये अंकुर के बिना कृपा नहीं होती ऐसा नहीं है, इसका भाव यह है जो अंकुरी होते हैं जिनका संबंध परमधाम से है वही उनकी कृपा को समझते हैं, बाकी उनको लगता है कि उनके लिए उनके मन के अनुकूल हुआ तो बस वो कृपा हो गई, मन के अनुकूल नहीं तो कृपा नहीं ऐसा सोचते हैं। और जो ब्रह्मात्मा होगी तो सर्वत्र कृपा देखती है, जहाँ भी हो दिन रात हर क्षण में सर्वत्र कृपा ही कृपा को देखती है। अंकुर सोई हक निष्वती माए बसत तजला नूर, अंकुर उनका ही होता है
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं, उनके अंग रूपा है, तो उनका ही अंकुर, उनको ही अंकुर प्राप्त है। अंकुर का तात्पर्य उनसे संबंध ही है। माए वशत तजल्ला नूर, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उसमें चरणों में ही रहती है, ऐसी ब्रह्मात्माएं, तो वही उनसे उनके अंग रूपा है और उनको ही, उनका ही अंकुर है। सबको अंकुर नहीं होता, और जिनका सीधा सीधा संबंध है, बाकी बाया बाया संबंध है, उन उनके ऊपर भी कृपा बहुत होगी, किंतु कृपा को पूर्ण रूप से समझने वाली आत्माएं तो इसी प्रकार की होगी। ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुकुम। जैसे कृपा होती है, जहाँ कृपा होती है, जैसे कृपा हुई तो वहाँ जोश है, वहाँ हुकुम है, सब कुछ वहीं आ गया। मेहर रहत नूर बल लिए ताँ हक इश्क इल्मा। मेहर रहत नूर बल, कृपा है वो एक नूरी शक्ति, दिव्य प्रकाशयुक्त ऐसी शक्ति को धारण करती है, इसलिए वहाँ प्रेम और ज्ञान सब कुछ प्राप्त होते। ताहक इश्क इल्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्रेम वो सब उसी कृपा के अंतर्गत आ जाते हैं। मीठा सुख मेहर सागर, इसलिए कृपा के सागर का सुख है वो तो बड़ा मधुर है, मधुर स्वाद है। मेहर में हक आराम, और कृपा में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आराम है। कहने का तात्पर्य उसी में कृपा का अनुभव किया तो शांति का अनुभव हो जाएगा। मेहर इश्क हक अंग है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा, उनका प्रेम और दूसरे कोई भी संपत्ति हो तो उनकी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग के रूप में है ना। मेहर इश्क प्रेम काम, प्रेम काम कहने का तात्पर्य इश्क और प्रेम एक ही है, तो प्रेम होगा तो हमारी कामना पूर्ण होती है, वो सब उनकी कृपा ही है, ये कहना चाह रहे। काम बड़े इन मेहर के, मेहर के काम, कृपा के कार्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो समझाते हैं ये मेहर इन हक, साधारण कृपा कहाँ है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, तो इसलिए छोटी बात नहीं है। मेहर हो तो जिन ऊपर ताए देत आप माफक, जिनके ऊपर कृपा होती है उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसकी क्षमता के अनुरूप देते हैं और अपने हिसाब से देते हैं, उसको अपनी महत्ता के हिसाब से, वो जैसे महान है उस हिसाब से उसको ज्यादा ही देते हैं, क्षमता से भी ज्यादा दे देते हैं, तो ये बड़ी कृपा है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता होती है। यदि इस बात को कोई समझे तो जीवन में कभी दुखी होता ही नहीं है। जीवन में दुखी होते हैं ईर्ष्या द्वेष, जो भी राग हो द्वेष हो या जो भी विकार हैं, ये सब इस कृपा को नहीं समझते उसके हिसाब से। यदि समझते हो तो ऐसा कुछ भी रहता नहीं है, वो सारे के सारे वो चले जाते हैं, व्यक्ति हमेशा उसको जैसे शास्त्रों में स्थित प्रज्ञ कहा है, संतों की वाणी में अथवा शास्त्रों में जीवन मुक्त भी कहा है, तो ये स्थिति तब होती है। अब एक प्रश्न को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक, मेहर हो तजिन ऊपर ताए दे आप माफक, आप माफक।
आचार्य श्री लक्ष्मण कृष्ण मणि जी महाराज की जय।